अस्सलाम वालेकुम, बशा किचन में आप सबको खुश आमदीद। बशा किचन में आज हम बनाने वाले हैं गुलाब जामुन, बहुत ही सादा और हमेशा की तरह एक मुनफरद अंदाज में। 2 कप हम पानी लेंगे, उसमें 3 सब्ज़ इलायची डाल के और 2 कटोरी चीनी या जितना आप मीठा खाना चाहें डाल के हम इसको पकने के लिए रख देंगे। ये हम इसका पहले शीरा तैयार कर लेंगे। जब तक शीरा तैयार होता है इंग्रेडिएंट्स की तरफ चलते हैं। हमें चाहिए खोया आधी प्याली, मैदा आधी प्याली, मीठा सोडा 1 चुटकी, नमक भी 1 चुटकी और हमें चाहिए अंडा और कुकिंग ऑयल। सबसे पहले हम एक बाउल में खोया डालेंगे। खोया मुझे थोड़ा सा ज़्यादा लगा था, इस वजह से मैंने ये बड़ा पीस इसमें से निकाल लिया था। ठीक है, अब हम इसमें ये बाकी सारी चीज़ें 1 बाय 1 ऐड करते जाएंगे। आप अपने हिसाब से मटेरियल तैयार कर सकते हैं या जितने गुलाब जामुन आप बनाना चाहें उस हिसाब से आप बाकी चीज़ों की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। अब अंडा डाल के और हम इसे अच्छी तरह से गूंद लेंगे आटे की तरह। नरम हाथों के साथ हम बॉल बना लेंगे। ये देखिए हमने ये बॉल्स बना लिए हैं। ठीक है, दूसरी साइड पे हमारा शीरा भी तैयार हो रहा है। अब हम एक कढ़ाई में ऑयल डालेंगे, हल्का नीम हल्की आंच पे हम ये फ्राई कर लेंगे ऑयल में, ज़्यादा आंच तेज़ नहीं करेंगे। ठीक है, आप देखेंगे जैसे हम ये डालेंगे इसके ऑयल के अंदर, आप चाहे तो इसको डीप फ्राई भी कर ले, लेकिन मैंने नहीं किया। आप इसकी साइड चेंज करते जाएँ किसी स्टिक से या चम्मच से। ये देखिए जैसे छोटे छोटे बॉल थे लेकिन ऑयल के अंदर जाके ये मज़ीद और फूल गए, और जब हम इसे शीरे में डालेंगे आप देखिएगा ये और फूल जाएंगे। अच्छा, ये देखिए इनका गोल्डन ब्राउन कलर हो चुका है। इसको हम ठंडा होने के लिए एक प्लेट में निकाल के रख लेंगे। ये देखिए अब हम शीरा भी हमारा रेडी है, इसमें हम ये डाल देंगे। ये देखिए सारा पानी इसने अपने अंदर जज़ब कर लिया और ये बॉल और भी बड़े हो गए साइज़ में। ये हमारे गुलाब जामुन बिल्कुल रेडी हैं। ठीक है, थोड़ी देर और हम इसे रखेंगे, 1-2 मिनट के बाद ये हम पहले सर्विंग बोल में या जिसमें भी आप सर्व करना चाहें प्लेट डिश, हम ये सारे जो गुलाब जामुन उसमें निकाल लेंगे और फिर बाद में हम इसमें शीरा ऐड करेंगे। अगर हम ऐसे अंडेल के डालते तो ये गुलाब जामुन सॉफ्ट से होते हैं, ये कहीं टूट ना जाते हैं। अब आप देखिए इसमें पहले आपने देखा होगा थोड़े से क्रैक्स फील हो रहे थे, लेकिन जैसे ही हम शीरे में इसको डाल लेते हैं सारे क्रैक्स इसके ख़त्म हो जाते हैं। ये देखिए बिल्कुल जूम करके भी देख सकते हैं आप, इसमें बिल्कुल भी कोई क्रैक फील नहीं हो रहा। ये देखिए शीरे में इसमें और थोड़ी देर इसे डिप कर रख लें, आप ठंडा करके खा लें या गर्म गर्म खा लें। ये हमारे घर में कुछ ऐसे भी होते हैं जो अभी डिश रेडी बाद में होती है, पहले इसको टेस्ट करने आ जाते हैं। ये मेरे भाई चेक कर रहे हैं। ये थी हमारी आज की रेसिपी गुलाब जामुन, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। आपसे गुजारिश है कि प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो ज़रूर शेयर करें। इसके साथ हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।